तो देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया हुआ है 24x7 माइक्रोटेक का हाइब्रिड HB725BA का इन्वर्टर है। तो इसका प्रॉब्लम देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले करते हैं डीसी ऑन, देखिए। और ऑन करने के साथ साथ क्या होता है, देखिए। ठीक है, हमिंग साउंड कर रहा है, देखिए। आउटपुट देखिए कितना आ रहा है, एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है, क्योंकि लो एम्पियर आ रहा है। देखिए आउटपुट लो आ रहा है, एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, देखिए। एम्पियर कितना ले रहा है, देखिए देखिए 30 एम्पियर का ऊपर ले रहा है। तो हमिंग भी अंदर, हमिंग भी साउंड कर रहा है। तो देखते हैं इसका क्या फॉल्ट है। तो देखिए ये अंदर का नज़ारा है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीसीबी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम था। तो देखिए पहले हम ऑन करके दिखा देते हैं। देखिए एमसीबी ऑन है 13 वोल्ट, ठीक है। सबसे ऑन करते हैं, देखिए अभी ऑन हो चुका है। आउटपुट भी आपका सही है, देखिए 220 वोल्ट, ठीक है। और मेंस देते हैं, देखिए मेन भी एक्सेप्ट हो रहा है, देखिए मेंस भी एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। चार्जिंग ब्लिंक कर रहा है, फ्लैश ऑफ कर देते हैं, देखिए चार्जिंग भी ब्लिंक कर रहा है। तो इसका प्रॉब्लम था आपका हमिंग का, और आउटपुट लो हो रहा था। चार्जिंग भी सही है, देख लीजिए, सबसे ऑफ कर दिया, देखिए। अभी इसका फॉल्ट था, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर है, बूस्ट के लिए लगा हुआ है 47, देखिए ये यहाँ पे है एक, और ये दो, ये आपका दो साइड का है, ये दोनों साइड का बूस्ट कैपेसिटर है। ये आपका पॉजिटिव साइड का बूस्ट का, एक साइड का पॉजिटिव आपका गेट डाउन हो गया था, 6 वोल्ट करीबन आ रहा था ऑन करने के बाद, तो इसलिए ऐसा हमिंग साउंड आ रहा था। तो अभी बिल्कुल ओके, देखिए बैकअप मोड में चल रहा है, देखिए 220 वोल्ट।